फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद से भारतीय फुटबॉल में भूचाल सा आ गया है। इसी साल भारत में होने वाले अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी पर संकट खड़ा हो गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से लेकर भारत सरकार और फिर सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सक्रिय हो गया है। लेकिन अब एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे हालात काबू में आने की उम्मीद लगाई जा रही है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को संचालित करने वाली प्रशासकों की समिति को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भंग कर दिया। प्रफुल्ल पटेल को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद बोर्ड को चलाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था, लेकिन फीफा द्वारा लगाए गए निलंबन ने चीजें बदल दी और फिर आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला सुनाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अब वर्तमान महासचिव सुनंदो धर पूरी तरह से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का संचालन करेंगे, यानी इसे बोर्ड के तहत ही संचालित किया जाएगा, जिससे फीफा प्रतिबंध हटाने के लिए कदम उठाए जा सके। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में होने वाले चुनावों को एक हफ्ते के लिए टाल दिया है। 28 अगस्त को होने वाले चुनावों में अब कुछ देरी होगी ताकि वोटिंग सिस्टम में सुधार किया जा सके। आपको बता दें कि इस साल भारत अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कर रहा है, लेकिन 16 जुलाई को फुटबॉल की बड़ी संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप था। फीफा द्वारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में संविधान और चुनावों को लागू करने पर लगातार जोर दिया जा रहा था, लेकिन भारत में आंतरिक राजनीति के कारण ऐसा नहीं हो पाया। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर से भारत में महिला फुटबॉल अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन होना था, लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में गड़बड़ी के कारण फीफा ने निलंबन लगा दिया और इसकी मेजबानी मुश्किल में पड़ गई। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पूरे ऑपरेशन को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बोर्ड को सौंप दिया, तो हो सकता है कि फीफा अपने निलंबन पर विचार करे। ये भी फीफा की एक बड़ी शर्त है जिसमें कहा गया है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की कार्यकारी समिति के 36 सदस्यों पूर्व खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल किया जाए। भारत में विभिन्न राज्यों के फुटबॉल संघों ने अभी तक पूर्व फुटबॉलरों को नामांकित नहीं किया था, ये फीफा की आपत्ति थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को नए सिरे से गढ़ने को कहा है तो ये संभव लगता है।